समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव में एक युवक को घर से बुलाकर बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या की सनसनीखेज वारदात की खबर मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक युवक की पहचान पिंटू कुमार के रूप में की गई है, जो अकबरपुर गांव के वार्ड 10 का रहने वाला बताया गया है। हालांकि अभी घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है, वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। सदर DSP संजय कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अकबरपुर गांव हुआ थाना कल्याणपुर, क्या घटना हुआ? गोली से मार दिया है मेरे लड़का को। कहाँ जा रहा था? कहीं नहीं जा रहा था, घर से बुला करके ले गया है। ओ, कब ले गया था? कब बुलाया? 9 बजे के बाद जैसे ले गया है। फोन कर बुलाया था? नहीं, फोन नहीं रखता है। और बुला करके ले गया, खेत में पानी चला रहा था, वो धान रोपने के लिए पानी चला रहा था। पुरानी दुश्मनी था क्या? मेरे पास में जैसे किसी से न दोस्ती है न किसी से दुश्मनी। बुलाने में जो आया था क्या आदमी था? वो जैसे 5 लड़का बुला के ले गया घर पर। हाँ, घर पर से ले गया। जान पहचान का था? जान पहचान का लड़का था? पूरे जैसे मेरा घर का अगल बगल का लड़का। क्या बोला? पानी चलाने के लिए नहीं, चलो उधर जैसे थोड़ा घूमने के लिए। हाँ, बच्चा लड़का था, जैसे ऐसे साथ में दोस्ती प्रेमी में जैसे ऐसे जैसे गए। और उधर पहले जैसे मोटरसाइकिल से धक्का मारा, धक्का मार करके गिराया। कहाँ पर? कहाँ पर जगह? वो जगह जैसे गाछी की ओर ले गया था, यहाँ गाछी से पश्चिम हो या पूरब, हम तो नजर से हम तो काम करने गए थे। और ये ब्याम जो है बिंदेश्वर का लड़का जैसे हमको पत्नी का बोला कि मामा ये जैसे जिंदा नहीं है, पिंटू जैसे मर गया। और रख करके बोल करके और भाग गया। क्या नाम था लड़का का? रुपेश नाम है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? राम बाबू राय। उम्र कितना है? इसका बच्चा का? बच्चा का 15 साल है। पढ़ाई करते थे? हाँ, छठा में पढ़ रहा था। और जैसे पानी चला रहा था अपना खेती में जैसे काम। कौन विद्यालय पढ़ते थे? किस विद्यालय में? वो अपना घर के नजदीक जैसे पास किया था, बीरसिंहपुर में नाम लिखा थे, लेकिन नहीं लिखा है। गांव कौन बोले? गांव? गांव कौन है आपका? गांव? हाँ, घर अकबर। अकबर।